गढ़ है जहाँ पर राजा बलि अपना शासन चलाते थे, अपना राज करते थे। आज वह जो है आज के समय में पूरे खंडहर बन चुका है, क्योंकि ये कहावत है कि जब राजा बलिगढ़ जो है यानी राजा बलि जो है एक महायज्ञ कर रहे थे, उसी समय जो है भगवान विष्णु जो है यानी बौना अवतार लेकर के उसे तीन यानी जो है धाप जमीन मांगा था, उसी के कारण जो है उसको ये दान में दिया गया और उसको जो है पूरे पाताल लोक में धंसा दिया गया तीन पग में। और यही जो है आज प्राचीन का काल का जो इतिहास है पूरा ये आज खंडहर बन चुका है। यहाँ पर देखने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर जो पहले समय का जो मकान था, जो भवन था, उसके टीला अभी भी दिखाई दे रहा है, जो आप ये देख सकते हैं पूरे कितने एरिया में जो है ये पूरे फैला हुआ है, जो आप देख सकते हैं। हम जूम करके आपको दिखाते हैं यह सब, जो ये देख सकते हैं कि ये कितना ही रहस्यमयी है। और यहाँ पर अभी के समय में जो है मेला चल रहा है और वह बहुत ही सुंदर दृश्य है, जो बहुत बड़ा क्षेत्रफल में है और इतना जो है हम आज तक नहीं किसी राजा के जो है यानी किला के अंदर ज़मीन देखे थे जितना कि राजा बलि के अधीन में था। वह पूरे जहां तक जो है आपको नज़र जा रहा है वहां तक पूरे राजा बलि का ही जो है शासन चलता था, यानी उस उतने क्षेत्रफल में उसका घर यानी महल सब थे, जो भगवान विष्णु जो है बावना अवतार लेकर के उसे पाताल में लेके चला गया। आज वह सिर्फ एक खंडहर के रूप में इतिहास में बच चुका है। इस पर जो है बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर जो है प्राचीन काल के मतलब डिजाइन की तरह जो है भवन बनवा करके उसे पर्यटक स्थल बनवा देना चाहिए, ताकि वह बिहार के इतिहास के पन्नों में फिर से उजागर हो सके। क्योंकि यह सब जो है धरोहर है, जो ये बाग देख सकते हैं उसी समय की ये पेड़ पौधा है, जो आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। उस पर जब तक बिहार सरकार नहीं ध्यान देगा तब तक आगे की ओर प्रगति नहीं होगा, इसलिए उस पर जो है बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो ये देख सकते हैं आप लोग कितना ही सुंदर दृश्य है और पूरे चारों ओर के दृश्य हम आपको दिखाते हैं। और अभी ले चलेंगे आपको हम जिस तालाब में राजा बलि जो है स्नान करते थे, उसका जो तालाब है, जो राजा बलि जिस तालाब को बनवाया था उस तालाब को भी अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे, आपको दर्शन करवाएंगे, ताकि आप लोग जो उस तालाब को दर्शन करके अपना भाग्यशाली समझेंगे, जो हम अभी तालाब के किनारे हम ले चलते हैं आप लोगों को।